ला 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 ला, आज तो मैं खेतों में टमाटर लगाने वाली हूँ, ताकि सारे टमाटर कुछ दिनों में रसीले और जल्दी से लाल बन जाए और मैं उन्हें खा सकूँ। टूनी बड़ी मेहनत से महीनों काम करके टमाटर की खेती करती है, जिसका वह हर रोज देखरेख किया करती थी कि उसके टमाटर सही तरीके से बढ़ रहे हैं अथवा नहीं। तभी टूनी, मैंने सुना है तुमने टमाटर की खेती की है और मुझे बताया भी नहीं। मुझे टमाटर की खेती के बारे में बहुत कुछ पता है, किस मौसम में टमाटर लगानी चाहिए, पानी और खाद कितने देने चाहिए, सब कुछ। अरे जा रे बंटू, बड़ा या टमाटर की खेती करने वाला, अगर ये सब इतना ही आता है तो तू ही क्यों नहीं कर लेता सब कुछ। देख कोको, तू अपनी बहन रानी को समझा दे, हर बार टांग लड़ाना ठीक नहीं। टूनी मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि टूनी की फसल बर्बाद हो। देख टूनी, टमाटर की फसल अब तेरे हाथों में है, मुझे तो मंटू के बातों में जरा सी भी भरोसा नहीं, बाकी तेरी मर्जी, हम चलते हैं बहन। रात हो जाती है, टूनी सोते सोते कुकू और रानी की बात याद करते रहती है। फिर अगली सुबह, टूनी टूनी जरा जल्दी उठ, देख तेरे खेत में तेरी फसल का क्या हाल है। तभी टूनी के साथ कुकू और रानी भी उड़कर टूनी के खेत जाते हैं और वहां देखते हैं कि टूनी के सारे टमाटर सफेद रंग के हो गए हैं। वो ये सब देख के आश्चर्य हो जाती है। मैंने तो आज तक टमाटर का रंग लाल देखा था और ये टमाटर तो सफेद रंग के हो गए हैं, ये क्या, पर देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है, इसे मैं खा कर देखती हूँ, आखिर ये स्वाद में कैसा लग रहा है। टूनी वह टमाटर खाने लगती है। वाह, ये तो लाल टमाटर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर कुकू और रानी खुसफुसाने लगते हैं। अरे ये क्या, हम दोनों बहनें ने तो कल रात में ही बहुत सारे कीड़े छोड़े थे, ताकि टूनी की फसल बर्बाद हो और सारा इल्जाम मंटू में डाल दे, पर ये तो उल्टा हो गया। अरे हाँ कुकू, वो कीड़े तो टमाटर को लाल से सफेद बना दिए, हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई, अब क्या होगा। तभी वहाँ पर मंटू और टीकू आते हैं। अरे वाह टूनी, तुमने तो टमाटर को लाल से सफेद कर दिया, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अरे बाबा रे बाबा, मैंने तो अपनी पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। इसके बारे में मेरे दादाजी कहा करते थे, जिसकी भी खेत में जिस दिन सफेद टमाटर उग जाएंगे तभी वो ही जंगल का मुखिया कहलाएगा। हाँ तो हम दोनों ही जंगल की असली मुखिया बनने वाली हैं। हम दोनों बहनें मिलकर कल रात में बहुत मेहनत से ढेर सारे कीड़े डाले थे। देखा टूनी, असली दोस्त कौन है। कल मैं रात में यहाँ से जा रहा था, तब मैंने देखा कि इन दोनों बहनें मिलके तुम्हारी फसल बर्बाद करने में लगी हैं। और मैंने सुबह होने का इंतजार किया, ताकि तुम खुद देख लो असली फसल की देखरेख किसको पता है। हमें माफ कर दो टूनी, हमने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर डाली। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, अगली बारी ऐसा काम कभी न करना कि तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। अरे टूनी, तुमने इन दोनों बहनों को इतनी आसानी से माफ कर दिया, तुम्हें इनको कोई सजा देनी चाहिए। वो इसलिए कि इन दोनों बहनों की वजह से मेरे टमाटर और भी सुंदर और स्वादिष्ट बन गए।